तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम आपको इजी नोट्स भी देंगे, ठीक है। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर और टेंथ इलेवेंथ में ये टॉपिक दिया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, आप इसे जरूर कर लेना, ठीक है, और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले दोस्तों शोषण की डेफिनेशन देखेंगे हम, और उसके टाइप्स भी देखेंगे। इसके टाइप्स कितने होते हैं? दो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है दोस्तों, जैसे कि शोषण होता क्या है। जैसे कि आप 11th 12th से क्या छठवीं से ही पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि शोषण होता क्या है, ठीक है। शोषण क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनमें, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, श्वसन होता है। इससे हमारे शरीर में क्या है, या जीवों के शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, जीवों द्वारा वायु में से ऑक्सीजन ग्रहण करना श्वसन कहलाता है। मतलब जीवों द्वारा वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना, जैसे कि जो हवा होती है, एयर होती है, उसमें का ऑक्सीजन ग्रहण करना, जैसे कि हम लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस श्वास द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या है, बाहर निकाल देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, श्वसन के द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जैसे कि स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड ऑक्सीकरण द्वारा विखंडित होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। जितने भी यहाँ पर पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, विखंडित होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, एनर्जी मुक्त करते हैं, ठीक है, जो कि ATP के रूप में संग्रहित कर ली जाती है, ठीक है। तो क्या कर ली जाती है, ATP के रूप में ये पूरी ऊर्जाएँ जो जितनी भी ये विखंडित करते हैं, तो ATP के रूप में ये संग्रहित कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, कर ली जाती है इससे, इस क्रिया में CO2 विमुक्त होती है, ठीक है। क्या हो जाती है, इतनों का मतलब ये जितने भी पदार्थ होते हैं, इनका इन्होंने क्या किया, ऑक्सीकरण द्वारा विखंडित होकर मुक्त ऊर्जा करेंगे, तो क्या होगी, ATP ऊर्जा संग्रहित कर लेगी, और जिससे क्या होगा, CO2 विमुक्त हो जाएगी। अब श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के समय क्या होता है, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण समय समानता एक विशेषकर ऑक्सी श्वसन के समय, जो ऑक्सीजन होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के 6 अणुओं तथा यहाँ पर ऑक्सीजन के समय कितने, ऑक्सीजन के 6 अणु तथा ADP एवं कार्बोनिक फास्फेट के 38 अणुओं का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अभी हम वो रिएक्शन के द्वारा समझ लेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है, ATP ही वह अणु होता है जिसमें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो होती है, रासायनिक बंद ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी होती है, इनके रूप में क्या है, संचित रहती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका एक पॉइंट देख लेंगे, इसके फास्फेट बंधों में उच्च ऊर्जा बंध होते हैं। मतलब इसके जो फास्फेट बंध होते हैं उनमें क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले बंध होते हैं, जिनके अपघटन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ही जैविक क्रियाओं के संपादन में उपयोग की जाते हैं। जैसे ही ये मतलब इनके अपघटन होता है, और इनकी मुक्त ऊर्जा ही क्या होती है, जैविक क्रियाओं के संपादन में ही उपयोग की जाती है, यूज की जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने एक रिएक्शन कराया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया, जल ले लिया, और यहाँ पर 38 ADP ले लिया, और यहाँ पर जैसे ही इन्होंने रिएक्शन कराया तो C6CO2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, H2O जल निकल कर बाहर आ गया, और यहाँ पर कितने 38 ATP अणु मुक्त हो गए, मतलब विमुक्त हो गए। तो यहाँ पर 38 ATP अणु बनते हैं। अब देख लेते हैं श्वसन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। श्वसन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, जिसे हम वायवीय और अवायवीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये सेम ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इनका अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 होता है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए,
श्वसन का वह प्रकार है जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण CO2 तथा H2O में हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? CO2 और H2O में हो जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और जल होता है। ठीक है, तो इस क्रिया में यही होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन कराई है, यहाँ पर ग्लूकोज की किससे कराई है, जल के साथ ऑक्सीजन के साथ कराई। तो यहाँ पर 6 CO2 क्या निकल आया, बाहर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ H2O बाहर निकल के आ गया और यहाँ पर 673 कैलोरी यहाँ पर प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीजन आपने देख लिया होगा। और इसका एक पॉइंट और आप पर नोट कर लीजिए, जैसे कि इसमें जो इस क्रिया के फलस्वरूप जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें क्या होती है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देख लेते हैं अनऑक्सीशोषण क्या होता है। अनऑक्सीशोषण वह होता है, इसमें मतलब O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भोज पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इनका अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और एल्कोहल होता है। जैसे कि यहाँ पर इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, श्वसन का वह प्रकार जिसमें भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण और O2 की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीकरण O2 की अनुपस्थिति में अपूर्ण रूप से CO2 और सरल कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर श्वसन का वह प्रकार है जिसमें भोज पदार्थ जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण और O2 की अनुपस्थिति में पूर्ण रूप से CO2 और सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि एथिल अल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी रिएक्शन भी दी गई है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह बहुत ही कम जीवों में होती है ये क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद हमेशा क्या होता है, CO2 होता है। अभी हमने देख लिया था इसमें O2 अनुपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पर नहीं था अनुपस्थित। ठीक है, यहाँ पर दोनों की आवश्यकता हमें होती है, जल और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्सीजन में तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने विद रिएक्शन कराया, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। और वहाँ पर हमें कितनी जो है केल्विन ऊर्जा प्राप्त हुई, 21 केल्विन ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, आप इसे देख लेना, यहाँ पर ग्लूकोज ये होता है C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एथिल अल्कोहल है 2C2H5OH। ठीक है, यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ गई और हमें कितनी कैलोरी प्राप्त हुई, यहाँ पर 21 प्राप्त हुई। ठीक है, 21 हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक अनऑक्सीशोषण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में डिफरेंस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और साथ साथ बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।